जैन को जैन से मिलाने वाला एक पवित्र संगम, भक्त को भगवान से मिलाने वाला एक उज्जवल मार्ग, गुरु भक्तों को गुरु से मिलाने वाला एक अलौकिक आयाम, भगवान के गर्भ से मोक्ष तक का एक अनूठा सफर, पाषाण से परमात्मा बनने का एक अद्भुत प्रक्रम, 350 पिछियों के सानिध्य में 80 जिनालयों के 80 पंच कल्याणक, बुंदेलखंड की आदर्श रत्न भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के महामंगल सानिध्य में पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश में आयोजित यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण, गजरथ महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ सहित विरागोदय तीर्थ धाम का पंच कल्याणक महामहोत्सव। देखिए इस महापंच कल्याणक का भव्य प्रसारण 23 मार्च 2023 तक प्रतिदिन सायं 4:20 एवं रात्रि 10:40 पर सिर्फ पारस चैनल पर। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल तीसरी कड़ी में आपने 2 फरवरी 2023 के शुभ दिन गणाचार्य विराग सागर जी और चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी के मंगलमय महामिलन के भव्य दृश्यों को देखा था और आज चौथी कड़ी में आप देखेंगे 2 फरवरी 2023 के शुभ दिन ही आयोजित हुए यति सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन एवं समाज गौरव अभिनंदन समारोह के मुख्य अंश। 2 फरवरी 2023 के दिन ही दोनों आचार्य श्री अनेकानेक साधु एवं आरिका वृंदों के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर रुख करते हैं। मंगल चित्र अनावरण और दिव्य दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। शोगान जिसका गाती हैं बीती हुई कितनी सदियां, संघ चतुर्विध हेतु परम मंगलकारी शुभ घड़ियां, संघ चतुर्विध हेतु परम मंगलकारी शुभ घड़ियां, गुरु और शिष्यों के मध्य अनुशासन देख सके दुनिया, अनुशासन देख सके दुनिया, गुरु आदेशों का उपदेशों का निर्विकल्प पालन है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है। कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्तगण पूज्य गुरु चरणों में पावन अर्घ्य समर्पित करने की तैयारी करते हैं। इस क्रम में भक्तों द्वारा सबसे पहले गुरु चरणों का पावन प्रक्षालन किया जाता है। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव को शास्त्रादि भेंट किए जाते हैं। इसके बाद पूज्य गुरु चरणों में पावन अर्घ्य समर्पित करने के मंगलमय दृश्य प्रकट होते हैं। एक ओर पूज्य आरिका संघ इस मंगल अवसर पर अपने श्रीमुख से पावन गुरु चरणों का गुणगान करता है, गुरु पूजन रचाए चरणों में हम आते। भक्तों के दल नाचते गाते आते हैं और गुरु चरणों में एक एक करके मंगल अर्घ्य एवं भेंटे समर्पित करते हैं। Thank you.
से जो भी महानुभाव दर्शन और चारित्र, ये तीनों को त्रिवेणी का स्थान है, उसका नाम है आचार्य विराग सागर। तत्पश्चात यति सम्मेलन का ज्ञानवर्धक उपक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य साधुवर्य क्रम पूर्वक अपने अपने मंगल भाव सभा के समक्ष व्यक्त करते हैं। मैं जितने ऊंचाइयों को दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए, जितने लोग बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, सबके पास एक गुरु है, सबके पास गुरु है। आचार्य श्रीमती सागर महाराज जी भी औरंगाबाद में आचार्य बिमल साहब महाराज जी के जय बोल रहे थे और उन्होंने स्पष्ट बोला था, आचार्य श्री आहार को गए थे, मैं आके बैठ गया, कोई प्रसंग आया, बोले बेटा प्रभु तो है पर गुरु के चरणों को मत छोड़ना। जो ज्ञान की ललक के नाम पर भी बहाने बना के चाहते हैं मुझे पढ़ने जाना है, वे आचार्य कोई पढ़ने नहीं जाते हैं, जिन्हें करने जाते हैं, और जिनको पढ़ना है इससे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, लोग तो सब जगह विद्यालय में पढ़ने गए हैं, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं। जब से आया तब से आज तक न कोई मैं पाठशाला पढ़ने गया, न कोई विश्वविद्यालय गया, मैंने तो मात्र एक ही विद्यालय देखा था, भिंडी के चैत्यालय में, वो थे विराग सागर जी। इसलिए अपने जीवन में ललक है तो झलक है, ललक है यशोदा जी तो झलक है। जय आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे संघ के श्रवणाचार्य वरिष्ठ मुनि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आज आगमन हुआ है। कहा जाता है कि बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता की दृष्टि में तो वे सारे दृश्य झूलते हैं। मुझे आज इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी केवल ऐसे ही समय व्यतीत नहीं किया, संघ में रहते थे तो अध्ययन करते थे, अनुशासन का पालन करते थे, कर्तव्यों का पालन करते थे और उस अध्ययन को उन्होंने बहुत अच्छा विकसित किया है। जन जन तक जिनवाणी को पहुंचाने का अथक प्रयत्न प्रयास किया है। यूं तो सभी जितने भी आचार्य महाराज हैं, मुनि हैं,
माता जी लोग हैं, सभी के लिए जिनवाणी ही परोसते हैं, जिनवाणी के लिए ही अमृत रस का पान कराते हैं। विशुद्ध सागर जी ने कुछ ज्यादा भी कराया है। जिंदगी में बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, और उनका प्रक्षालन के विषय में जैना तीर्थंकर भगवान ने प्रतिक्रमण का उल्लेख किया है। और ये विश्वास रखिए, प्रतिक्रमण में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि वह सारे दोषों का निरसन कर देता है, वे सारे अपराध हमारे धुल जाते हैं। वह युग प्रतिक्रमण की पवित्र बेला रहेगी। पवित्र मन से पवित्र होकर के व्यक्ति सफेद वस्त्रों में, समस्त श्रावक गण सफेद वस्त्रों में यहां पंक्तिबद्ध होकर के बैठेंगे। जैसे आज बैठे ऐसे नहीं बैठेंगे, पंक्तिबद्ध होकर के यानी बड़े विनय के साथ पवित्र मन से बैठेंगे। और दूसरी ओर पीत वस्त्र को धारण करके महिलाएं यहां पर बैठेंगे, बालिकाएं पीत वस्त्र को धारण करके बैठेंगे, यहां युवा वर्ग भी सफेद वस्त्र को धारण करके बैठेंगे। बंदो, वह एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपना युव प्रतिक्रमण का होता है। आप सब लोगों के लिए सूचित कर दें, आसपास के लोगों के लिए, कि उस युव प्रतिक्रमण में जरूर जरूर साफ परिवार युग प्रतिक्रमण का दिन ऐसा रहे कि कहीं पिता पुत्र के लिए आदेश दे कि बेटा उस कार्यक्रम में जरूर जरूर जाना है, और पुत्र पिताजी के लिए भी आग्रह करे कि पिताजी दुकान बंद कर दीजिए, उस युग प्रतिक्रमण में शामिल होना है। यति सम्मेलन के समापन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे विराग सागरम, ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे विराग सागरम, धर्म ध्वजा हाथ में बोले हम साथ में जयनम जय सुशासनम, ये बजा ढोल बजा जमा रंग जमा बजा दम 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 ढोल बजा बुला सबको बुला जय जयकार लगा बजा दम 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 ढोल बजा। स्वच्छ पावन धारा में गिधे बोने की चंदन वाला ने चौक पुराए, श्रावक सभी लगा महावीर चल करके आए, शोभा ऐसी बड़ी धरती पे आसमां आके तारे बिछाने लगा है, कहीं दीपक सजे कहीं उड़ती गुलाल गुरु भक्तों का मेला यहाँ है, गुरु चरणों को हर नजर ढूंढे विराग सागर जी धरती के नूर, बड़े ज्ञानी है संतों में संत है कोई नहीं, ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे विराग सागरम, ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे विराग सागरम, धर्म ध्वजा हाथ में बोले हम साथ में जयनम जय सुशासनम, ये बजा ढोल बजा जमा रंग जमा बजा दम 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 ढोल बजा बुला सा।
सबको बुला जय जयकार लगा बजा दम 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 ढोल बजा शीश महलना इनको सुहाए नगर नगर ये ज्ञान बरसाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस मेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस मेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस मेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस मेरा नाम दोहराए पल भर विराग की जन्मभूमि हुई आज विश्व में वंदन में तीर्थों में तीर्थ विरागोदय तीर्थों में तीर्थ विरागोदय तीर्थों में तीर्थ विरागोदय तीर्थों में तीर्थ विरागोदय महातीर्थ पर महामहोत्सव सदियों में कोई ऐसा उत्सव शायद ही देखा हो किसी ने सैकड़ों संतों का समागम साथ जिनवर और हम तुम सब जुड़े वो जोड़ा पुण्य जिसने यहाँ आने लगी दुनिया सारी बूढ़े बालक और नर नारी भक्त और भगवान का मिलन है तो दर्शकों आज आपने अवलोकन किया इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की चौथी कड़ी का कल आपसे फिर मिलेंगे पांचवी कड़ी में अभी दीजिए आज्ञा जय जिनेंद्र गुरुवर विराग की जन्मभूमि हुई आज विश्व में वंदन में